S60 लर्निंग्स पे क्वालिटी के सारे आर्टिकल्स को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा ये, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वालिटी के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो थे उनको वन बाय वन कवर करेंगे। तो टोटल आर्टिकल्स जितने भी हैं, कितने हैं अभी फ़िलहाल में टोटल आर्टिकल, तो 368 टोटल आर्टिकल हैं, 368। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल फर्स्ट क्या बताता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल सेकंड ये क्या कहता है, आर्टिकल टू नए राज्यों का प्रवेश। तो सबसे पहले तो संघ यानी यूनियन और राज्य क्षेत्र बनेगा, सबसे पहले देश बनता है, देश के अंदर क्या होता है, राज्य होता है, तो वो आर्टिकल वन हो गया। आर्टिकल टू क्या हो गया, अब जब राज्य बन गया तो नए राज्य को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आर्टिकल टू हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल फाइव, टू के बाद सीधे फाइव क्यों आ गए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है इस सेशन में वही कवर होगा। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये सिटीजनशिप से है, आर्टिकल फाइव नागरिकता से। जब संविधान होगी, संविधान के बाद नागरिकता की बात आएगी, तो आर्टिकल फाइव आ जाएगा। उसके बाद संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, ये आर्टिकल 11 है, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। फिर आर्टिकल 14 ये क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि यानी क्या हो, जुडिशरी, यानी लीगली सब समान हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी छोटे कास्ट का व्यक्ति हो, सभी महिलाएं हो, ट्रांसजेंडर हो, लिंग, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा, सबके लिए क्या है, विधि का अधिकार है, समान, सब पे समान कानून लागू होगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 14। लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन का मतलब नौकरियों में अवसर की जो समानता है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। देखा होंगे आप लोग, जब आप लोग फॉर्म डालते हैं उसमें आता है एक सेक्शन कि आप जेंडर भरिए, जेंडर में क्या आता है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ऐसे भी आता है। तो उसमें ट्रांसजेंडर को भी अवसर की समानता है जॉब में, ऐसा नहीं है कि देखो। उसके बाद क्या रहा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया कराया गया था। और ये आर्टिकल, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं उन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत, पहले क्या था कि ब्राह्मण, छोटे कास्ट के जो लोग आते थे उनको अपने घर के जो सबसे गंदे बर्तन होते थे, जिससे वो लोग क्या अपने बाथरूम में वगैरह यूज करते थे, उसमें उन लोगों को पानी देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर कहीं आपको छुआछूत करते हुए कोई पाया जाए तो आप उसका क्या कर सकते हो, वीडियो बना के या फिर एविडेंस के साथ, उसका फोटो के साथ अगर आप कोर्ट में पेश कर दो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत हो गया। पहले क्या था, उपाधियों पे काफ़ी जोर दिया जाता था, लेकिन बाद में आर्टिकल 18 आया जो क्या कहता है, उपाधियों का अंत। वाक की स्वतंत्रता, यानी अभी मीडिया वाले कुछ भी पूछ लेते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, यानी आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर किसी का मान हानि ना हो रहा हो, किसी की कोई इज्जत पे आँच ना आ रही हो, या फिर किसी को कोई बात से आपके दुख नहीं लग रहा हो, तो फिर आपको बाकी हर चीज़ों पे सवाल उठाने की पूरी स्वतंत्रता है। अपराधों के दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 क्या कहलाता है, अपराधों के दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। अगर अपराध आप लोगों ने किया है, किसी ने अपराध किया है, उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो फिर उसको संरक्षित किया जाएगा। पहले क्या था, चौराहे पर लटका कर और डंडे से पिटाई की जाती थी, ठीक है, पेड़ में बांध कर या फिर ईंट पत्थर मारा जाता था लोगों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उससे लीगली जो है एक्शन लिया जाएगा उस पर। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, पहले क्या था, हस्बैंड के मर जाने के बाद लोगों को क्या करते थे, वाइफ को जलना पड़ता था, आत्मदाह करना पड़ता था हस्बैंड के शव के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। आप जो है 21 क्या बताता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता भी बताता है। 21 आर्टिकल जो है वन ऑफ द फेमस आर्टिकल एंड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर ह्यूमन बीइंग इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इसमें क्या है कि आपको अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अगर आप चाहें तो आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जो है अपने अनुसार जो भी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप पर कोई दबाव नहीं बना सकता है कि आप छोटे कास्ट के हो, आप नाई के लड़के हो तो आप नाई का काम करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने अनुसार जो है अपनी लाइफ जी सकते हो, और ये इमरजेंसी में भी एबॉलिश नहीं होता है। अगर सपोज करो कि आपातकाल की स्थिति आ जाए जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है तो भी ये आर्टिकल वैलिड नहीं होता है, एबॉलिश नहीं होता है। 6 से 14 वर्ष यानी मिनिमम 6 और मैक्सिमम 14 ईयर्स तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन है। आर्टिकल 21A, क का मतलब ए होता है, ख का मतलब बी होता है, ग का मतलब सी होता है। तो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा 6 साल का हो गया या फिर 14 साल तक का बच्चा है बीच का, तो उसको कंपलसरी एजुकेशन देना है, आप उसे काम नहीं करा सकते हो। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, आर्टिकल 20 क्या कहलाता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। मानव के दुर्व्यापार और बल आश्रम यानी आर्टिकल 23 क्या कहलाता है, ये आप अपना आपका पहले क्या था, मानव तस्करी होता था और बधुआ मजदूर यानी बाल श्रम, ये सारे चीज़ों को बंद कर दिया गया आर्टिकल 23 के तहत। कारखानों में बच्चों का बालक का नियोजन का प्रतिशत, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, ये आर्टिकल 24 बताता है कि सपोज करो 14 साल से अधिक का कोई बच्चा है और वो कारखाने में काम कर रहा है, 6 से 14 साल के बीच तो कंपलसरी एजुकेशन है ही, लेकिन 14 साल से अधिक का अगर कोई बच्चा है और वो काम करना चाह रहा है अपने परिवार को संभालने के लिए, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई उसके परिवार में उसके लाइफ में, तो फिर उसका एक मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। ये नहीं कि आप कारखानों में सब छोटे ही बच्चों को लगा दो काम करने के लिए, जो भी कारखाना हो, जो भी कॉरपोरेट वर्क हो, जो भी प्लेस हो जहाँ पे काम करना चाह रहा है वो बच्चा, शॉप हो चाहे जो भी, वहाँ पे एक परसेंटेज डिसाइड होगा, ये आर्टिकल 24 बताता है। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म का आचरण, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत है। आप अपने धर्म को मान, आप जो भी धर्म चाहते हो मानना, जैन बुद्ध सिख ईसाई, ठीक है, वो सबको, अगर शेड्यूल ट्राइब हो तो आप कोई अगर ट्राइबल धर्म को फॉलो कर रहे हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और उसके प्रचार की भी स्वतंत्रता है आपको। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, देखो ये ताजिया उठता है या फिर ये मुसलमान लोगों का या फिर हिंदू में लोगों का क्या होता है, बजरंग बली का होता है, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा, ये सारे फेस्टिवल्स में जो भी प्रोटेक्शन लगेगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी श्रद्धालुओं को, जैसे सावन आता है तो उसमें लोग जाते हैं, वैष्णो माता का आता है दुर्गा पूजा में लोग वैष्णो माता के यहाँ जानते हैं, तो सारा प्रबंधन जो है ये आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 बताता है, यानी माइनॉरिटीज़ का हितों का संरक्षण, माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन, ये आर्टिकल 29 डिसाइड करता है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 30 है। तो देखो 29 भी अल्पसंख्यक है और 30 भी अल्पसंख्यक है, बाकी 25 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 26 भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 24 क्या कहलाता है, कारखानों में बच्चों का एक बालकों का नियोजन का प्रतिशत होगा, 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम से रिलेटेड है, दुर्व्यापार और बाल श्रम, 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, 21A क्या कहलाता है, 6 से 14 साल के बच्चों का कंपलसरी एजुकेशन, 21 आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 कहलाता है, फिर विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, ये आर्टिकल 11 है, और संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये आर्टिकल 5 बताता है, संघ का नाम और राज्य, यानी अभी हम लोग का संघ का नाम क्या है, भारत, और कैपिटल क्या है, दिल्ली, और राज्य
राज्य क्षेत्र कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 1 में आएगा। अगर नए राज्यों का गठन करना है तो आर्टिकल 2 में आएगा। ठीक है, तो रिवीजन भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड स्लाइड पे थे हम लोग। ये ग्राम पंचायतों का गठन, देखो 0 है ना, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देश की सबसे, किसी भी देश की सबसे छोटी इकाई होती है गांव, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत यानी 40 आर्टिकल। फिर 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन संगठन। आर्टिकल 48 क्या होता है? किसी कृषि और पशुपालन संगठन। यहीं पे एक और आर्टिकल ऐड कर लो, आर्टिकल 44। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अगला आर्टिकल 48A, ये पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी हम लोग के इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में जो भी वाइल्ड लाइफ वो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कह सकते हो, ये आर्टिकल 48A है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, आर्टिकल 48A। फिर 50 क्या कह रहा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग अंग हैं, ये आर्टिकल 50 कहता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये आर्टिकल 51। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ये आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज लिया कहाँ से गया है? देखो डी में कितने, डी का अल्फाबेटिकल नंबर कितना होता है? 4। तो ये USSR से लिया गया, USSR यानी रसिया, रूस, रशिया। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? रशिया। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? यूएसए से, यूएसए। इसमें चूंकि 4 लेटर है डी में, डी का अल्फाबेटिकल नंबर क्या होता है? 4। तो देखो ये भी 4 लेटर्स आ गए ना, तो ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? देखो राइट्स में आर का नंबर क्या होता है? आर का अल्फाबेटिकल नंबर 18 होता है ना, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स कितने हो गए? इसका नंबर क्या होगा? 6। क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा है ना, तो इसके लिए छोटा नंबर आएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज में डी का अल्फाबेटिकल नंबरिंग क्या है? 4। ये छोटा है ना आर के कंपैरेटिवली, डी छोटा है क्योंकि एफ तो दोनों में कॉमन है, तो देखो इसमें कितना आएगा? 11। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। फंडामेंटल ड्यूटीज लिया कहाँ से गया? यूएसएसआर से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? यूएसए से। अगेन एक और चीज है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? SOUTH, साउथ अफ्रीका। तो जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स यानी सुधार, अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, नीचे भी मैं लिखवा दूंगा जहाँ अमेंडमेंट का जिक्र होगा। तो संविधान में अगर किसी तरह का कमी लगती है या फिर किसी सुधार की, वक्त के अनुसार चीज़ों में सुधार होनी चाहिए, तो वो साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत सुधार होता है? तो आर्टिकल 368A, 368 के तहत क्या होता है? सुधार। तो आर्टिकल 368 के तहत सुधार होता है, ये आर्टिकल है। और पार्ट पूछ दे कि कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 20। ठीक है, यानी पार्ट को रोमन अंकों में लिखते हैं, 20x से रोमन अंकों से लिखते हैं, तो पार्ट 20 हो गया और आर्टिकल 368। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अगला, भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, तो ये आर्टिकल 54 कहता है। राष्ट्रपति के चुनवाचन निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है,
क्या प्रोसेस है ये आर्टिकल 55 बताता है। तो ये चलो राष्ट्रपति का शपथ ये 60 है, आर्टिकल 60 यानी शपथ, ठीक है। आर्टिकल 60 क्या है? शपथ। इम्पीचमेंट, अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना हो, इम्पीचमेंट करना हो, राष्ट्रपति में अगर कोई कमी पाई जाती है तो इम्पीचमेंट वो होता है ना, तो ये आर्टिकल 61 हो गया, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। फिर उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, ये आर्टिकल 63 बताता है। 61 क्या बता रहा था? इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। और 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति, वैसे याद करो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 है। आर्टिकल 64 क्या कहलाता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्षमादान की शक्तियाँ, तो 72, किसी भी व्यक्ति, किसी भी मुजरिम को अगर सजाए मौत दे दी गई है, फांसी की सजा दी गई है, तो अगर उसकी उसको अगर क्षमादान देना है, यानी अगर मान लो कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इसने अपने जेल में बहुत ही अब सुधार किया है, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, और इसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसे फांसी की सजा दी जाए, यानी सजाए मौत दी जाए, तो उसे राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान दे सकता है। तो ये आर्टिकल 72 के तहत है क्षमादान की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को अगर कहीं सलाह लेना हो तो मंत्रिपरिषद से किसी से तो पूछेगा, मंत्रियों से पूछेगा, ये आर्टिकल 74 के तहत है। मंत्रियों के बारे में उपबंध, ये आर्टिकल 75 है। क्या? मंत्रियों के बारे में उपबंध। भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ टू बी अटॉर्नी जनरल, भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए, ये आर्टिकल 76 कहता है। संसद, तो संसद के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, सरला, देखो तीनों के लिए एक ट्रिक है, स र ला, सरला है ना, स से संसद यानी 79, आर्टिकल 79 में संसद आ जाएगा, र यानी राज्यसभा, ये आर्टिकल 80 में आ जाएगा, 79, 80 और 81 क्या हो गया? लोकसभा हो गया। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों आर्टिकल हो गया। और संसद तीन चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, इंडिया का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 52 कहता है। राष्ट्रपति किसके आर्टिकल में? आर्टिकल 52, 52 में क्या है? राष्ट्रपति है। तो संसद तीन चीजों से मिलकर बनता है ना, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81 और राष्ट्रपति आर्टिकल 52। तो ये तीनों हो गया यहाँ पे, ये याद कर लो, 79, 81 और 82, सरला से याद कर लो तीनों। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, संसद के कितने सत्र होंगे? सत्रावसान यानी विंटर सेशन, समर सेशन, ठीक है, और विघटन, संसद कब विघटित हो जाएगा, ये सारी चीजें आर्टिकल 85 में है। देखो ये सारे आर्टिकल लगातार हैं, ये सब मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, टीसीएस ने जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, सिर्फ वही आर्टिकल्स कवर कराएंगे इस सेशन में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो आर्टिकल 93, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पीएम क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है बताओ? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पीएम है ना, ठीक है, पीएम जो होता है ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 93 क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आर्टिकल 93 है। नेक्स्ट, आर्टिकल 100 पे हम लोग आ गए। संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है, संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी संसदों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति,
ये आर्टिकल 100 है, ठीक है। तो मतदान किस में है? आर्टिकल 100 में। कुछ दशाओं में दोनों संसदों की संयुक्त बैठक, देखो 108 शुभ नंबर होता है ना, याद करने का तरीका है कि 108 क्या होता है? शुभ नंबर होता है 108। तो संसद के दोनों सदनों का यानी लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन होते हैं ना, संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का अगर दोनों सदन का संयुक्त बैठक हो रहा है तो ये शुभ अंक होगा ना, आर्टिकल 108, 108 से। 110 क्या है? धन विधेयक है। 110 में क्या है? धन विधेयक। 123 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पारित करना। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर रहा है तो ये आर्टिकल 123। अगर राज्यपाल अध्यादेश पारित करेगा तो आर्टिकल 213। देखो राष्ट्रपति बड़ा होता है ना, तो इसके लिए आर्टिकल क्या है? छोटा है, 123। आर्टिकल 123 यहीं पे ऐड करो अगर राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करना चाहता है, राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करना चाहता है तो वो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल छोटा होता है लेकिन इसका आर्टिकल क्या है? बड़ा है, आर्टिकल 213। ये राज्यपाल का क्या है? अध्यादेश शक्ति, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? उच्चतम हाई कोर्ट आर्टिकल 124, हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124। तो यहीं पे और ऐड कर लो, यहीं पे मैं बता देता हूँ, हाई कोर्ट क्या होता है? बड़ा होता है ना, छोटा होता है ना सुप्रीम कोर्ट के कंपैरेटिवली। देखो एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट SC, एक होता है हाई कोर्ट HC। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कंपैरेटिवली छोटा होता है ना, तो देखो ये छोटा है तो इसका आर्टिकल बड़ा है, ये 124 है, हाई कोर्ट 124 है और सुप्रीम कोर्ट 214। उच्चतम न्यायालय है ना, उल्टा हो गया, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, SC है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय होता है ना हाई कोर्ट, ये उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय होता है, देखो यही लिख दे रहा हूं मैं, उच्च न्यायालय ऐड कर लेना। तो उच्च हाई कोर्ट छोटा होता है तो इसका आर्टिकल क्या है? बड़ा होगा, 214 हो जाएगा। जिस तरह राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या था? 123 था ना, और उपराष्ट्रपति के लिए क्या, राज्यपाल के लिए क्या था? 213। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? 124, आर्टिकल 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 214 हाई कोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायपूर्ति, न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश, न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है? 127 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 127, ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बताता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड जो है जुडिशियरी यानी जस्टिस होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये CGL का भी लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, आर्टिकल 129 के तहत है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अगर राष्ट्रपति को कोई दिक्कत होगा, कोई कानून बनाने में दिक्कत हो, मतलब कानून को समझने में दिक्कत हो, तो वो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, ये 143 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्तियां। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक यानी भारत का नियंत्रक यानी कंट्रोलर एंड महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आर्टिकल 148 है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। राज्यपाल, राज्यों का एक राज्यपाल होना चाहिए, 153 है। देखो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल क्या था? भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, ये आर्टिकल 52 था, 52। ये क्या कहता है? भारत का एक क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति। उसी तरह राज्यों का एक राज्यपाल होना चाहिए, राष्ट्रपति बड़ा होता है ना, देखो इसका आर्टिकल छोटा है, तो जहाँ पे भी तुम जनरली देखे होगे कि जो बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए आर्टिकल छोटी हैं, जैसे हाई कोर्ट वाला था, सुप्रीम कोर्ट, फिर अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल की, अगेन यहाँ पे भी देखो कि
अनुच्छेद यानी आर्टिकल 153 राज्यों का एक राज्यपाल होना चाहिए, अ स्टेट हैज़ टू बी अ गवर्नर, ये आर्टिकल 153 कहता है। राज्यपाल की नियुक्तियाँ, राज्यपाल को नियुक्ति देनी है तो ये आर्टिकल 155 के तहत होगा। पहले तो 153 क्या कहता है कि राज्यपाल होगा, फिर 155 क्या बोलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति अब होगी ना। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जिस तरह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह दे रहा था, अब राज्यपाल को देखा। तो देखो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल छोटा, राष्ट्रपति बड़ा है तो उसका आर्टिकल छोटा था ना, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो देखो राज्यपाल आ गया। राज्यपाल छोटी चीज है, छोटी इकाई है राष्ट्रपति के कंपेरेटिवली, तो उसका आर्टिकल क्या है, बड़ा है। तो 163 ये क्या कहता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को कहीं सलाह लेना है तो मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है, ये आर्टिकल 163 के तहत है। महाधिवक्ता यानी 165 के तहत राज्य का क्या होना चाहिए, महाधिवक्ता होना चाहिए। राज्य के विधानमंडल का गठन ये 168 है, राज्यों के विधानमंडल का गठन 168 है। विधानसभाओं की संरचना, ठीक है, ये आर्टिकल 170। आर्टिकल 168 क्या था, राज्य के विधानमंडल का गठन, और आर्टिकल 170 क्या कह रहा है, विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 170 क्या कह रहा है, विधानसभाओं की संरचना। अगेन विधान परिषद की संरचना, जैसे विधानसभा आ गया तो विधान परिषद भी तो आएगा, तो ये आर्टिकल क्या हो गया, आर्टिकल 170, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा छोटी इकाई होती है विधान परिषद के कंपैरेटिवली, तो देखो जो छोटा है उसके लिए यहाँ पे छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है, और कंजिकेटिव में है, तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों साथ में याद रखना, क्योंकि ये छोटी इकाई है विधान परिषद के कंपैरेटिवली, तो देखो इसके लिए छोटा आर्टिकल है और इसके लिए बड़ा, ये दोनों एक साथ याद रखना। अगला बाकी एक आर्टिकल्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, आर्टिकल 189। आर्टिकल 189 क्या कहलाता है, संसद में सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणमूर्ति। अगर मतदान में कोई रिक्ति आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, फिर भी क्या है, शक्ति है कार्य करने की, सदन अपना स्वेच्छानुसार कार्य कर सकता है, ये आर्टिकल 189 के तहत। वित्तीय विवरण ये 202, आर्टिकल 202 क्या कहलाता है, वित्तीय विवरण, आर्टिकल 202 वित्तीय विवरण। आगे बढ़ते हैं, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट के लिए मैं बता चुका हूँ ना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो इसके लिए आर्टिकल क्या है, बड़ा है। उच्च न्यायालय का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, अब सुप्रीम कोर्ट का गठन करना है तो ये आर्टिकल 216। तो यहाँ पे ये दोनों याद करो, देखो आर्टिकल 214 और 216। 216 क्या कह रहा है, राज्यों के लिए क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट का गठन होगा ना, तो ये 216 कहता है। अब हाई कोर्ट तो होना चाहिए, अब हाई कोर्ट का गठन अगर करना है तो 216 हो गया, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हो गए। अगला, कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, ये आर्टिकल 226 है कि उच्च न्यायालय कुछ रीट निकाल सकता है, कुछ रीट को हटा सकता है, पारित कर सकता है, ये शक्तियां जो है 226 के अंतर्गत हैं। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, देखो संघ के लिए पंचायती राज और नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां, ये आर्टिकल 243 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243। पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी और सहकारी शक्तियाँ, कोऑपरेटिव पावर्स, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 243 के अंतर्गत आती हैं। और आर्टिकल 243 क्या कहलाता है, पंचायती नगर, ठीक है, पंचायत नगर है, पंचायत नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ, अलग अलग चीज़ें, पंचायत नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ, ये अलग है, ये को हो गया, कौन सा हो गया आर्टिकल, आर्टिकल 243। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये आर्टिकल 244 है, अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज और अनुसूचित जो है
व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे छोटे वर्ग के जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में प्रशासन वाली व्यवस्थाएं तगड़ी होनी चाहिए, ये आर्टिकल 244 के अंतर्गत है। संचित निधि, संचित निधि से ही तो सबको जो है पेंशन वगैरह, राष्ट्रपति का पेंशन हो गया या फिर जो भी मिनिस्टर्स हैं उसकी अगर पेंशन की सुविधाएं, ये संचित निधि से दी जाती है, ये आर्टिकल 226 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आकस्मिक निधि, इमरजेंसी में अगर पैसा होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए पैसे अलग से इंसान रखता है ना, घर में भी आप रखते हो पैसे इमरजेंसी के लिए, कि बैंक से तो निकलते निकलते निकलेगा, कुछ पैसे घर पे इमरजेंसी के लिए रखते हैं, तो ये आर्टिकल 267 हो गया इमरजेंसी के लिए निधि। फिर वित्त आयोग की बात आ गई, फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280 है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 280 क्या है? वित्त आयोग। संपत्ति का अधिकार, तो देखो संपत्ति का अधिकार को कौन सा अमेंडमेंट था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ये क्या था, इसमें संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, इसको विधि के अधिकार, पहले विधि का अधिकार होता था, संपत्ति का अधिकार ये विधि का अधिकार होता था, तो इसे विधि के अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया, विधि के अधिकार से हटाकर, ठीक है, कानूनी अधिकार में रख दिया गया, इसे हटाया गया, हटाकर आर्टिकल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को विधि के अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, तो ये हटाया गया, हटाकर कौन से अधिकार में रख दिया, कानूनी अधिकार में रखा गया। ठीक है, विधि के अधिकार को विधि के अधिकार से हटाकर, ठीक है, से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया ये। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 300A, क का मतलब होता है 300A। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, ये 315 में है। ठीक है, तो UPSC के जो भी एग्जाम्स होती हैं, UPSC रिपोर्ट किसको करता है, एवरी ईयर UPSC रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष UPSC क्या करता है, रिपोर्ट करता है, और UPSC आर्टिकल 315 के अंतर्गत है। प्रशासनिक अधिकरण 323A क्या कहलाता है, प्रशासनिक अधिकरण। अन्य विषयों के लिए अधिकरण, अन्य विषयों के लिए अधिकरण भी है, वो आर्टिकल 323B। ठीक है, 323A क्या है, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण 323A, और 323B क्या है, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, तो देखो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, ठीक है, देखो इसको हटा देते हैं, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन 324 के अंतर्गत है। इलेक्शन कमीशन किसके अंतर्गत है, 324 के अंतर्गत, डायरेक्ट इसे ऐसे याद करो कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 324, 324 इलेक्शन कमीशन। अगला, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, अगर कोई भी निर्वाचन संबंधी मामला हो रहा है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप लेगा या नहीं लेगा, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 329, ये क्या कहलाता है, पहले तो निर्वाचन आ गया, इलेक्शन कमीशन, अगर मान लो इलेक्शन कमीशन का कोई मैटर आ गया, कोई कमी आ गई, कोई फॉल्ट आ गया इलेक्शन कमीशन में, तो उसमें न्यायालय में मैटर जाएगा ना, तो वो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, ये 329 के तहत है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण है ये, तो 330 कहलाता है। लोकसभा में
अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब, ये SC शेड्यूल कास्ट और ये क्या है ST शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए सीटों का आरक्षण ये 330 के अंतर्गत है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों द्वारा वित्त चुने जाते हैं लोग, तो वो 331 के अंतर्गत है, ठीक है 331। अगला, राज्य के विधानसभा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 332 में है। तो लोकसभा में बता ही दिया गया था, अब ये राज्यसभा की बात आ गई, राज्य विधानसभा की बात आ गई, इसमें 332 में क्या है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण है। संघ की परिभाषा 343 क्या कहलाता है कि संघ की परिभाषा बताता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आपातकाल की घोषणा 352, इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो जाए, इमरजेंसी की अगर कोई बात है, अभी मणिपुर में क्राइसिस चल रहा है तो इमरजेंसी की अगर बात आएगी तो 352 आर्टिकल होगा। 356 क्या कहलाता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अब कोई ऐसा स्टेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करना कर रहा है, विफल हो रहा है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाले राइट्स, संविधान की जो कार्य प्रणाली है, संविधान की जो शक्तियाँ हैं, संविधान की जो नियम है, उसको अगर वो स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है तो 356 के अंतर्गत आएगा और राष्ट्रपति शासन वहाँ लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन। इमरजेंसी में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है ना। अगला, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी, मान लो कि पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उसमें इमरजेंसी लगेगा ना, तो ये 360 के अंतर्गत आएगा। 368 में क्या है, संविधान का संशोधन अमेंडमेंट, बताए थे ना अमेंडमेंट किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 368 और पार्ट कितना है, पार्ट 20, ठीक है। और मामला कौन सा था, केशवानंद भारती मामला, इसके तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है मामला। सबसे पहले केशवानंद भारती ने संविधान में संशोधन की बात की थी, क्या संशोधन की, प्रस्तावना में संशोधन, ठीक है। 377 क्या कहलाता है, 377 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, 377 के अंतर्गत क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। लोक सेवा आयोग के बारे में यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, ये 378 है। तो आर्टिकल 378 क्या कहलाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC लोक सेवा आयोग, ये आर्टिकल 378। ये हो गया आर्टिकल 378। चलो तो 368 टोटल आर्टिकल्स थे जो मैंने कवर करा दिए, रिवीजन करा दें कि रहने दें, छोटा वीडियो रहेगा, दो बार तुम लोग देख लेना, रिवीजन भी हो जाएगा। सेशन को एंड करते हैं।